21 को, और हमारा जो पंचायती राज भाग का चुनाव, जो पंचायत चुनाव हुआ वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चुनाव था। पंचायत चुनाव पूरी तरह संपन्न आपको लास्ट दिसंबर में हुआ 21 में, और हमें 29-35 जो लेटर आया वो लेटर 22/6/2021 को आया। उस 29-35 में भी यही लिखा हुआ है कि संभवतः वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे या वार्ड सचिव, उनके अनिच्छा पर वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षक का चयन करना, उसमें विकलांग को पहले प्राथमिकता दिया गया। लेकिन ये कहीं ये दर्शाया नहीं गया कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। अगर वार्ड सदस्य अगर सरकार मानती है तो 2021 में जो चुनाव हुआ उससे पहले जो वार्ड सदस्य थे पुराने, वो वार्ड सदस्य होना चाहिए था। अगर आप उसकी बात करते हैं तो हाँ, तो पुराने वार्ड सदस्य, नव निर्वाचित वार्ड सदस्य आए कहाँ से? नव निर्वाचित वार्ड सदस्य जब चिट्ठी निर्गत हुआ है 6 महीना के बाद चुनाव हुआ है, तो 6 महीना के बाद चुनाव हुआ है तब कैसे मान लीजिएगा कि वो वार्ड सदस्य अनुरक्षक है? यहाँ बताया। और उसके बाद जब हम लोगों ने संगठन बना के लड़ाई लड़ना शुरू किया और जब आंदोलन तेज हुई है तो बिहार सरकार ने पुनः फिर एक लेटर जारी किया 13/1/2023 को कि सबसे पहली प्राथमिकता हम भूमिदाता को जो देंगे, जो भूमि ने दिए है दान में उनको हम अनुरक्षक मानेंगे और उन्हीं को हम अनुरक्षक का पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ वार्ड सदस्य लोग या वार्ड सचिव लोग मिल करके क्या किए कि सब जगह पता है कि नहीं वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, चाबी दे दीजिए, सबसे चाबी लेना शुरू कर दिया। जहाँ पर कमजोर लोग हैं, जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या किए, बरगला करके उनसे चाबी छीनना शुरू कर दिया, कहीं पर दबंता दिखा करके चाबी छीन लिया गया। जब हम लोग आंदोलन शुरू किए बारिश नगर में तो वीडियो को दबा, वीडियो कहा किसी का चाबी नहीं छिनाएगा, हम लोग आंदोलन के माध्यम से रोक लगवाए। रोक आपको कल्याणपुर, बारिश नगर, कानपुर, विभूतिपुर, सरारंजन, गलसिंहसराय, तमाम शिवाजी नगर, तमाम जगह पर चाबी छीनना बंद कर दिया गया। और जब चाबी छीनना बंद हो चुका है तो बरगलाना लोगों को शुरू कर दिया गया। लेकिन अब हमारा कहना है कि पैसा जो आया है तो ये जो यह कहते हैं कि धरना देने से क्या होगा, प्रदर्शन करने से क्या होगा, मीटिंग करने से क्या होगा, पानी बंद करने से क्या होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं और अनुरक्षक भाइयों को गुमराह करते हैं और यह कहते हैं कि मैं एक एक अनुरक्षक को हक और अधिकार दिलवाऊंगा। जहां मीटिंग नहीं हुआ है क्या वहां लेटर निकल गया है? जहां मीटिंग नहीं हुआ है, जहां संगठन नहीं बना है क्या वहां पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। जब समझ